और हमें यहाँ बार बार परेशान करने का प्रयास किया जा रहा है, प्रशासन डराने का काम कर रहा है। धरना ठुआने की बात करें, धरना ठुआने की बात करें, लेकिन हमारा ये है निश्चित तौर पर यह धरना हमारा शांतिपूर्ण तरीके से चलेगा। अगर प्रशासन ने लाठी मारनी है तो हमारे शहर तैयार हैं, हम बिल्कुल भी शांति भंग नहीं करेंगे, लेकिन हमारे अधिकारों की लड़ाई हम निश्चित। क्यों ठुआ भाई, धरना उठवाने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये धरना उठाने के लिए नहीं लगाया यहाँ पे, दबाव बना रहे हैं आपको ऊपर। दबाव हम नहीं मानते ना उस चीज़ को, दबाव को, वो तो कोशिश कर रहे हैं। जो हमारे दो साथी जो डिटेन किए हुए हैं वो बार बार ये कर रहे हैं कि हम उनको लिया देंगे, लेकिन हाँ धरना कब उठाओगे? अगर प्रशासन रात न हमने छेड़ेगा तो ये प्रशासन की जिम्मेदारी होगी, वो हमारी लाश जंग लड़ते हैं। अगर हमने छेड़ेगा तो ये प्रशासन के साथ ही खुल के सीधी आप मेरी बात सुन ले, हम शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं, सरकार के साथ शांतिपूर्ण तरीके से वार्ता हो रही है। उसके बाद भी प्रशासन का बार बार यहाँ आना, हमारे नेताओं को अभी तक रिहा ना करना, इनकी मनसा के ऊपर संदेह प्रकट कर रहा है। भाई सारे गाँव उड़ा, गाँव भी नजदीक है, जगह भी सही है, सारे उड़ा चलो भाई, सारे के सारे भाई आ रहे, कोई नहीं रहेगा, और मिलके बिल्कुल आ रहे, कोई किसी किस्म का भय नहीं है हमारा, कोई नुमाइंदा कोई डरा देगा प्रशासन का साथी। लोकतांत्रिक अधिकार है हमारा आंदोलन करना शांतिपूर्ण तरीके से, और भाई 8 भी बदलने हो रहे हैं, CID के साथी सुन लो, 8 बजे के बाद मीटिंग करके अगर हमारे भाई रिहा नहीं करे उसका फैसला भी कमेटी 8 बजे के बाद लेगी। अभी जो भाई आ रहे हैं वह सारे भाई उड़ा चालो, वह अपने ट्रैक्टर ने लेगी। धन्यवाद। लाइट ऑन कर ले। तो भाई फिलहाल खेड़ी चौपटा में मौजूद हाँ, जिस तरीके का आपने देखा प्रशासन की बहुत सारी गाड़ी उधर खड़ी है, चाहे बलैरो गाड़ी हो चाहे बस हो, बहुत सारी गाड़ी प्रशासन की आई। और जो DSP सांगवान साहब है, यानी 80 के DSP है, वो 2 बार धरना पा लिए, लगातार वो एक के बाद कहने लग रहे हैं कि किसानों का हमारी रिक्वेस्ट है कि आप यू धरना ठा लो, आप एक कमेटी बनाओ और कमेटी बनाकर हमारे तो बातचीत करो, हम आप तो बातचीत करांगे। तो विकास सिस्टर हैं जो फिलहाल DSP साहब के साथ बैठे थे, के कुछ बातचीत हुई तो भाई साहब के कह रहे हैं DSP साहब 2 बार आ लिए, ऊपर ड्रोन भी चल रहा था। बातचीत बिल्कुल सीधी थी, हमने पहले भी कहा था हमारे नेताओं को छोड़ो। दूसरी बात, हमने कहा था हम शांतिपूर्ण तरीके से बैठेंगे, ये हमने करके भी दिखाया, दिन में भी आपने देखा, अभी भी हम शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत हो रही है। जब भी कोई आंदोलन होता है, सरकार के साथ बातचीत होती है तो कोई गिरफ्तारी नहीं होती। आज से पहले के आंदोलनों का इतिहास रहा है, चलते आंदोलन में बातचीत के माहौल में सुरेश कोत को, रवि आज़ाद को गिरफ्तार कर लिया जा हुआ है, और हमें यहाँ बार बार परेशान करने का प्रयास किया जा रहा है, प्रशासन डराने का काम कर रहा है। धरना ठुआने की बात करें, धरना ठुआने की बात करें, लेकिन हमारा ये है निश्चित तौर पर यह धरना हमारा शांतिपूर्ण तरीके से चलेगा। अगर प्रशासन ने लाठी मारनी है तो हमारे शहर तैयार हैं, हम बिल्कुल भी शांति भंग नहीं करेंगे, लेकिन हमारे अधिकारों की लड़ाई हम निश्चित। क्यों ठुआने लग रहे हैं DSP साहब जो बार बार रैली हो रहा है? वो तो DSP साहब बताऊंगे क्यों ठुआन लग रहे हैं। और भाई आसपास के गांव गुआंडा तो आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है, भाई ज्यादा से ज्यादा संख्या में रातों रात खेड़ी चौपटा पहुंचे, ये प्रशासन के साथी हमारे ऊपर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो आसपास के ज्यादा से ज्यादा भाई यहाँ पहुंचे। ईसा भी लागू रहा है इतना भाई, प्रशासन जिस तरीके से 10-12 गाड़ी खड़ी है, 2-3 रोडवेज की बस भी खड़ी है, उसका प्रशासन का कोई ऐसा प्लान हो भाई, रहा है इतना 50, 100, 150, 200 तो उठा के कहीं और ले जाया जाओ। भाई प्रशासन में ताकत है, कर भी दे के बेरा पटे इनका, लेकिन निश्चित तौर पर जो हमारे साथी बैठे हैं, सारे भगत सिंह बैठे हैं, प्रशासन को हाथ लगाने से पहले उसको सोचना पड़ेगा, इनके गलत छेड़छाड़ कर दी तो दूसरा तो आंदोलन छिड़ गया किसान आंदोलन, एक तीसरा किसान आंदोलन और छिड़ेगा इस हरियाणा पुलिस का गिल्ले। ये पुलिस को तय करना है कि इनके साथ कैसा व्यवहार करना है, ये प्रशासन सोचा। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल खेड़ी चौपटा की तस्वीर आप देखने लग रहे हो, जब एक बार इस साइड दिखा दे, एक गाड़ी यहाँ खड़ी, उस साइड भी गाड़ी खड़ी, मैं आपने एक बार दिखाऊंगा। यानी पुलिस प्रशासन लगातार जो भाई किसानों के बीच में एक है, और लगातार किसानों तो एक के बाद कहने लग रहे कि आप अपना धरना जो हो तो उठाओ। जिस तरीके से आप देखो उस साइड तो बहुत सारी गाड़ी प्रशासन की खड़ी है, यानी काफ़ी गाड़ी प्रशासन की, इस साइड भी गाड़ी खड़ी है, आप देखोगे पुलिस प्रशासन की लगातार गाड़ी पहुँचने लग रही है। और प्रशासन की तरफ तो जो सांगवान 80 DSP हैं वो लगातार एक के बाद कहने लग रहे हैं कि भाई ये धारा 144 है, ऊपर तय SP और DC साहब के निर्देश हैं कि आप मतलब पूरा धरना ना लगाओ। उसके बावजूद जो है
प्रशासन की दो तीन बार प्रशासन आया है बातचीत करने खातर, लेकिन किसानों का साफ साफ यही कहना। बाकी रणबीर मलिक जी हैं जो मांगेराम मलिक के सपुत्र हैं, मैयट टोल की साइड अगर आप बात करें, प्रधान जी राम 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 भाई। आप भी बैठे थे, डीएसपी साहब दो बार आ लिए जो सांगवान साहब है, हाँ सी डी एस पी, बार बार मतलब धरना उठवाने की बात कर रहे हैं भाई, धरना उठवाने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये धरना उठाने के लिए नहीं लगाया यहाँ पे, दबाव बना रहे हैं आपको ऊपर। दबाव हम नहीं मानते ना उस चीज़ को, दबाव को वो तो कोशिश कर रहे हैं, जो हमारे दो साथी जो डिटेन किए हुए हैं वो बार बार ये कर रहे हैं कि हम उनको लिया देंगे, लेकिन हाँ धरना कब उठाओगे, तो भाई धरना उठाने के लिए नहीं लगा। हाँ अभी इतना है कि जो अपना बॉर्डरों पे जो किसान संगठन लगे हुए हैं पंजाब साइड से, उनकी मीटिंग अभी 6 बजे से चली हुई है, बिल्कुल, तो जब तक उनका डिसीजन नहीं आ जाता तब तक हम अगला निर्णय नहीं लेंगे। कल सुबह जो है जैसे ही उनका जो है फाइनल आ जाएगा, भाई उनका क्या रहा, मीटिंग अगर सक्सेस हो जाती है वो मतलब कह ले भाई हमारी मांगें पूरी हो जाती हैं, तो उनका डिसीजन आने के बाद में धरना उठा लेंगे। अगर उनका जो है कोई बात में सहमति नहीं हुई तो फिर अगली रणनीति जो उसी के तहत जो है, यानी आज रात का धरना खेड़ी चोपटा में लगा, कल सुबह दोबारा मीटिंग होगी, दोबारा मीटिंग होगी और उसके बाद में अगला निर्णय लिया जाएगा कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना है, अभी ये भविष्य के क्रम में है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। तो भाई खेड़ी चोपटा की तस्वीर आप देखने लग रहे हो, जिस तरीके से सुबह तो आपने पता है कि एक कॉल दी गई है 18 तारीख ने, इकट्ठे हुए हैं डीएसपी साहब जो आसी से हैं, सांगवान साहब दो बार आए हैं, किसानों के साथ बातचीत करी है और लगातार एक ही बात कह रहे हैं भाई, जो एसपी हैं और डीसी हैं उनके निर्देश हैं कि भाई धारा 144 है, आप पूरे इकट्ठे ना हो, धरना ना लगाओ। लेकिन दूसरी तरफ किसान एक ही बात कह रहे हैं कि भाई हमारे ऊपर भी जो आसपास के गांव के किसान हैं उनका दबाव है, भाई हमारी मजबूरी है, हम भी नहीं उठ सकते। लेकिन फिलहाल जो है भाई सभी किसानों की कॉल है कि इकट्ठे हो गए उस साइड जो ग्राउंड है, सारे ट्रैक्टर एक साथ खड़े हो जाएंगे और रात का धरना यहीं लगेगा। कल दोबारा फिर आसपास के गांव आऊँगे, दोबारा फिर मीटिंग होगी और फिलहाल जो सरकार के केंद्र के जो मंत्री हैं उनके साथ चौथे दौर की वार्ता शुरू होगी है, यानी तीन दौर की इससे पहले जो वार्ता हुई है तीनों बेनतीजा रही हैं, चौथे दौर की वार्ता में भाई कितनी सफल होगी या किसानों की मांग मानी जाओगी या नहीं मानी जाओगी वो आगे की बात है। फिलहाल आपने ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है और आपके सोच विचार आपने ज़रूर देने हैं। जय जवान जय किसान।